बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको US इलेक्ट्रिक में एक बार फिर से खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, आमीन। दोस्तों इससे पिछली वीडियो में इसी गीज़र के बारे में हमने बात की थी और इसके सारे कंपोनेंट्स जितने भी हैं उन सब के बारे में मैंने आपको डिटेल दी थी और कौन कौन सा कंपोनेंट जो है वो किस तरीके से काम करता है, कौन कौन सी चीज़ क्या काम करती है और किस तरह इसकी परफॉर्मेंस है, वो सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में आपको डिटेल के साथ बताई हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो वॉच नहीं की तो उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वीडियो लाजमी वॉच करें और इस गीज़र के बारे में जो मुकम्मल डिटेल है वो हासिल कर लें ताकि आपको इसको रिपेयर करने में आसानी हो। तो दोस्तों उससे पिछली वीडियो में यानी कि सेकंड लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें मैंने एक आपको इसके बारे में ट्रिक दी थी जो कि पिछले एक साल से मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ और वो ट्रिक मैंने उसके बाद आपसे भी शेयर की है ताकि आप लोगों का भी जो है वो फ़ायदा हो और जो ख़र्चा है वो कम से कम हो। देखा गया है अक्सर के जो दोस्त अक्सर कंप्लेन करते हैं वो ये कि हफ़्ता 10 दिन या मैक्सिमम जो है वो 15 दिनों बाद ये जो सेल हैं ये आपको 200-250 रुपए के जो है वो चेंज करने पड़ते हैं। तो इससे जो है मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, वो वीडियो भी लाजमी वॉच करें, उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको उससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों चलिए आज भी एक मैं आपके साथ ट्रिक शेयर करने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होनी है, वीडियो बहुत ही शॉर्ट है और इसको स्किप ना कीजिएगा, मुकम्मल देखें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं उनसे ये मेरी रिक्वेस्ट है कि लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स और इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक बआसानी पहुँचाई जा सके ताकि आप उससे फ़ायदा भी हासिल कर सकें और अपना एक अच्छा जो रोज़गार है वो भी चला सकें और दूसरों तक ये लाजमी शेयर किया करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। तो दोस्तों वो ट्रिक जो है वो सेकंड लास्ट वीडियो में जो बता रहा था वो इसके साथ ये आप देख सकते हैं कि मैंने एक जो मोबाइल की बैटरी है ये अटैच की हुई है। तो दोस्तों इसकी बैटरी सिर्फ आप इसके साथ लगा के भी इस गीज़र को जो है वो आप चालू रख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपसे ये रेकमेंडेशन दे रहा हूँ, आपको ये रेकमेंड कर रहा हूँ, सजेशन दे रहा हूँ कि उसके साथ आप ये जो सेल हैं ये भी लाजमी यूज़ करें। उसका फ़ायदा क्या है, उसका फ़ायदा सुन लें। अब दोस्तों उसका फ़ायदा ये होगा कि ये सेल और ये बैटरी अगर आप अकेली ये सिर्फ बैटरी यूज़ करेंगे तो ये आपको जो है वो अभी सर्दी है, सर्दी की वजह से बैटरी जो है वो बार दफ़ा देखा गया लो हो जाती है। तो दोस्तों ये आपको तकरीबन डेली नहीं तो 2 दिन बाद 3 दिन बाद या मैक्सिमम अगर लगा लें कोई अच्छी बैटरी किसी ने यूज़ की है तो मैक्सिमम जो है वो आपको हफ्ते बाद जो है वो लाजमी चार्ज करनी पड़ेगी। तो दोस्तों इससे बचने के लिए जो है आप इसके साथ सेल जो है वो लाजमी इसमें डाल दें। इसका फ़ायदा आप सुन लें। अब पिछले साल जो इसका फ़ायदा मुझे हुआ है वो ये कि मैंने इसके साथ सेल भी यूज़ किए हैं बैटरी के साथ, तो मुझे उसका फ़ायदा ये हुआ है कि ना मुझे सेल चेंज करने की ज़रूरत पड़ी है पूरा सीज़न सर्दियों का मुकम्मल। मैं ख़ुद अपनी ज़ाती बात कर रहा हूँ, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, मैं ख़ुद अपनी बात कर रहा हूँ कि मैंने ये ना तो पूरा सीज़न जो है 4-5 माह सर्दियों के ना तो ये सेल चेंज किए इस गीज़र इसी गीज़र के और ना ही मैंने इसकी बैटरी चार्ज की, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो चलता रहा, लगातार चलता रहा। तो दोस्तों ये यही एक मशवरा था आपको, यही एक सजेशन थी और यही आपको ट्रिक एक बतानी थी कि अगर आप बैटरी चार्ज करने से भी बचना चाहते हैं सिर्फ़ एक दफ़ा ये जो 200-250 रुपये का ख़र्चा है ये आप कर लें तो इंशाल्लाह ना आपको दोबारा ये सेल चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी और ना बैटरी जो है वो बार बार चार्ज करने की वो ज़रूरत पड़ेगी। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये ट्रिक अच्छी लगी होगी, इसको लास्ट में ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पूरा अमेजिंग और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपने भाई को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी फ़िलहाल हम जो है वो ये सेलों को जो है वो इसमें लगा देते हैं। ये लें दोस्तों ये सेल जो है मैंने इसमें डाल दिए हैं।
तो इस तरह आप भी कर लें तो इंशाल्लाह आपका जो गीज़र है वो बेहतरीन, पूरा पूरा सीज़न जो है वो बेहतरीन चलेगा और आपको कभी भी कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी।